इस वक्त मौजूद हैं हम उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर, और यहाँ ललन सिंह मुलाकात करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा से पहुँचे थे। तस्वीरें आप देखेंगे किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह में मुलाकात हो रही है। ये मुलाकात दूसरी बार मुलाकात हुई है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे उसके पहले ही ललन सिंह मुलाकात किए थे। जिस तरह से बातें चर्चाएं चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और ललन सिंह का भी नाम सामने था, तो ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, लेकिन उसके पहले भी मुलाकात हुई थी और आज फिर से मुलाकात हुई है ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। कई सवाल थे कि जिस तरीके से कहा यह जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, और विरोधी जो है उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कह रहे हैं कि ललन सिंह से नाराज चल रहे थे, तो इस बात को ललन सिंह ने सिरे से खारिज किया कि हम लोग आज से नहीं पुराने साथी हैं, समता पार्टी से ही हम दोनों साथ हैं और इससे मुलाकात होता रहेगा। यह भी कहा गया कि विरोधियों का कहना है कि ये उपेंद्र कुशवाहा के साथ छल किया गया है और विरोधियों के जो छाती है उस पर अगर सांप लौटता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम तो उपेंद्र कुशवाहा से पहले भी मुलाकात किए हैं और आगे भी मुलाकात होती रहेगी, ललन सिंह ने यह बयान दिया। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि आखिर इस जो मुलाकात हुई है इस मुलाकात का क्या मतलब मायने निकालना चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि मतलब मायने कुछ नहीं, हमारे पुराने साथी हैं, लोक समता के पार्टी के समय से ही हमारे साथी हैं, इसलिए हम मुलाकात करने पहुँचे और आगे भी मुलाकात करते रहेंगे और इस मुलाकात का कोई मायने नहीं है। ललन सिंह का क्या बयान है वो आप सुनिए। ये बोर्ड के चेयरमैन तो नहीं है, उसके साथ साथ हमारे पुराने साथी और लोक दल से हम लोग साथ काम किए, ये हम अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, तो हम लोग का तो रोज मिलना जुलना होता ही रहेगा। आपको मिलना जुलना होता रहेगा, लेकिन कई विरोधी बोल रहे हैं ये बात कि उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह में तलखियां आ गई हैं, ललन सिंह अध्यक्ष बन के विरोधी बोल रहे हैं। विरोधी का काम ही यही है, बिना बिना जमीन के पौधा उगा दे, जमीन कहीं है हमने और अंतर कोई अंतर नहीं। लेकिन ये दूसरी मुलाकात है, अध्यक्ष बनने के पहले भी आप दूसरी बात दूसरी कर रहे हैं इधर, हाल के तो हर हफ्ते हर रोज मुलाकात, जब अध्यक्ष नहीं थे उसके पहले भी पटना आवास पे आपने जाकर मुलाकात की थी, और इस मुलाकात दोनों में क्या मतलब क्या निकाला जाए? मतलब इसमें क्या निकालना जी, हम तो आपको बताए हमारे मित्र है, सहयोगी है, साथी है जी, और आज के नहीं है जी, लोक दल के समता पार्टी के पहले से लोक दल में हम लोग युवा लोक दल में साथ राजनीति करते थे। ये साथ दूसरों को रास नहीं आ रहा है, लेकिन मत आवे, अब क्या करिएगा, अगर किसी के छाती पर सांप लौट रहा है तो उसमें हम क्या करें। सर एक सवाल और था, जिस तरह से आप तो मिलने यहाँ पर आ गए जी से, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहला आपका मुलाकात सर उसको लेकर क्या? पार्टी को हम दोनों को मिल के पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी में का एक नेता है वो नेता है नीतीश कुमार, और हम सबको मिलके पार्टी को मजबूत करना है, और पार्टी मजबूत होगी तो नेता मजबूत होंगे और हम सब मजबूत। कितनी बार हम लोगों की मुलाकात होती है इसकी खबर आप लोगों को नहीं रहती है ना, इसलिए आप लोगों को लगता है कि आज मुलाकात हुई। हम लोगों की ऐसी मुलाकात अक्सर होते रहती है, इनके घर पर भी हम जाते हैं, हमारे यहाँ भी कभी कभी आते हैं, तो मुलाकात चलते रहती है, कभी कभी आप लोग देखते हैं इसलिए ऐसी बात करते हैं। लेकिन इस मुलाकात का कुछ साफ मतलब ही निकाला जा रहा है। देखिए पार्टी है, हम लोग एक साथी हैं, तो काम पार्टी के लिए नीतीश कुमार जी को मजबूत करने के लिए करते रहते हैं, उसी क्रम में मुलाकात होते रहती है, कोई व्यक्तिगत मुलाकात, पार्टी के लिए मुलाकात, आज की मुलाकात को कोई अलग नज़र से देखा जाए इसकी कहाँ कोई।